ओके। अच्छा भाई, पिछले साल तीन चार बातें आपने सुन लेनी है, फिर इंशाल्लाह बात आसान हो जाएगी। पिछले साल अगर कम टैक्स रिकॉर्ड हुआ है तो इसे कहते हैं अंडर प्रोविजन। अंडर प्रोविजन, इस साल उसे बढ़ाने के लिए सीटीई डेबिट करेंगे। पेबल क्रेडिट कर दें या हुकूमत को पैसे दे दें, वो डिपेंड करता है हुकूमत ने पैसे फ़ौरन मांग लिए हैं या नहीं। पिछले साल अगर टैक्स कम रिकॉर्ड हुआ है तो इस साल टैक्स बढ़ाना पड़ेगा पिछले साल वाला। एक लफ्ज़ सोट डलवाना पड़ेगा प्रायर का, क्योंकि इस साल की अपनी भी तो करंट टैक्स की एंट्री होनी है ना। पहली बात मेरी खत्म हो गई। पिछले साल की अंडर प्रोविजन को ऐसे रेक्टिफाई किया जाता है। दूसरी बात, पिछले साल अगर ओवर प्रोविजन हो गई है तो उसे तो कम किया जाएगा ना टैक्स को, तो क्या होगा? सीटीपी डेबिट या हुकूमत से हम रिफंड ले लेंगे, कैश डेबिट और खर्चा क्रेडिट। ये पिछले साल की ओवर प्रोविजन को क्या किया गया है? साल रेक्टिफाई किया गया है। पिछले साल की ओवर प्रोविजन को रेक्टिफाई किया गया। पहली बात ये होगी। दूसरी बात, आपको पेपर में जिस वक्त, और यार बस आंखें बंद करो, अंडर प्रोविजन है तो खर्चा बढ़ा दो, ओवर प्रोविजन है खर्चा कम कर दो, बस खत्म। अच्छा, यहां तक बात हमने पढ़ ली थी क्लास में। जी बिल्कुल, प्रायर आएगा उसके साथ, यू आर राइट। कभी कभी आप बोलते हो कमाल बोलते हो माशाल्लाह। अच्छा, तो इसको आप इस तरह रेक्टिफाई कर देंगे। नेक्स्ट, अगली बात आपने बड़ी गौर से सुननी है। फाइनल अकाउंट के एतबार से बात करने लगा हूं। फाइनल अकाउंट के सवालों में ना हमें ट्रायल के अंदर वो फिगर्स दिया करेगा। मिसाल के तौर पे 2016 का ट्रायल है, उसमें वो फिगर्स दिया करेगा। 31/12/16 का ट्रायल, उसमें हमें फिगर्स दिया करेगा डेबिट क्रेडिट, करंट टैक्स एक्सपेंस प्रायर। ये असल में पिछले साल का करंट टैक्स है जो इस साल उसने सही कर दिया, अल्लाह का शुक्र है। पिछले साल का करंट टैक्स है, इस साल सही कर दिया है। अगर इस साल, अगर पिछले साल कम रिकॉर्ड किया था तो इस साल क्या एंट्री की होगी? अगर 15 में कम रिकॉर्ड किया था तो 16 में क्या एंट्री की होगी? ये एंट्री करने की वजह से पिछले साल का करंट टैक्स जब इस साल सही होगा तो मिसाल के तौर पे डेबिट साइड पे नजर आएगा, तो ट्रायल में ये डेबिट बैलेंस के नाम से नजर आ रहा होगा, यानी डेबिट साइड पे नजर आ रहा होगा, यानी खर्चा नजर आ रहा होगा। ट्रायल में खर्चा पॉजिटिव नेगेटिव से नजर नहीं आता, ट्रायल में खर्चा सैलरीज वाला, एडवर्टाइजमेंट वाला, रेंट वाला डेबिट साइड पे नजर आ रहा होता है। और अगर पेपर में ये इधर हुआ तो हमें पता चल जाएगा कि पिछले साल करंट टैक्स कम रिकॉर्ड नहीं हुआ था बल्कि ज्यादा रिकॉर्ड हो गया था, तो उसे अब हम कम कर रहे हैं। क्लियर होगी ये बात? अभी ना सवाल आ रहे हैं, ये सारी चीजें इंशाल्लाह होंगी, अभी नोट करने की ऐसा जरूरत हुई तो मैं खुद बताऊंगा। एक और चीज नजर आ रही होगी इस सवाल में, वो होगा डेफर टैक्स। वो होगा डेफर टैक्स। डेफर टैक्स ट्रायल में अगर इधर गिवन हुआ 15, तो ये डेफर टैक्स लायबिलिटी होगा या ये एसेट होगा? एसेट होगा। और भाईजन ये ब्रॉड डाउन होगा, क्योंकि अदर इंफॉर्मेशन में ना डेफर टैक्स वगैरह का कैरी डाउन का डाटा उसने दिया होगा, और अदर इंफॉर्मेशन में जैसे डेप्रिसिएशन नहीं होती थी ट्रायल में, अकाउंट डिडक्शन को ओपनिंग पड़ा होता था अक्सर, तो ट्रायल के अंदर डेफर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस दिया होगा और ओपनिंग बैलेंस दे के अदर इंफॉर्मेशन में कैरी डाउन का डाटा दिया होगा, तो उससे इंशाल्लाह हम कैरी डाउन निकाल लेंगे। अगर ये डेबिट साइड पे नजर आ रहा होगा ट्रायल में तो ये डेफर टैक्स एसेट होगा ओपनिंग, और अगर ये क्रेडिट साइड पे नजर आ रहा होगा तो डेफर टैक्स लाइबिलिटी होगा। क्लियर होगी बात? अच्छा, ये अब नोट में 10 रुपए, इस साल के नोट की बात कर रहा हूं,
इस साल के नोट में ये 10 रुपये यहां चले जाएंगे नेगेटिव साइन के साथ। खर्चा बुक करना है ना, तो खर्चा बुक करना किस साइन के साथ? नेगेटिव साइन के साथ। डन, ये नोट में यहां चला जाएगा नेगेटिव साइन के साथ। खर्चा बुक करना है, असल में खर्चा डेबिट का मतलब है शायद पिछले साल काम रिकॉर्ड हुआ था तो इस साल रिकॉर्ड करना पड़े, तो ये इधर चला जाएगा नेगेटिव साइन के साथ। और ये जो 12 रुपये होगा ये डीटीएल का ब्रॉड डाउन होगा। ये डीटीएल का क्या होगा? हालांकि ऊपर ट्रायल में 31/12/16 लिखा होगा, लेकिन फिर भी ये ओपनिंग बैलेंस होगा क्योंकि अदर इंफॉर्मेशन के अंदर वो डाटा आपको देगा कैरी डाउन निकाल लेगा। ये बात खत्म हो गई। अगली बात, अच्छा ये वो एसेट है, सॉरी वो तो इधर लाइबिलिटी लिखा होगा, इधर लाइबिलिटी लिखा होगा। अगली बात, इस साल के सीटी के साथ एक लफ्ज लिखा होगा, वो होगा एस्टीमेटेड। इस साल के सीटी के साथ एक लफ्ज लिखा होगा, वो क्या होगा? एस्टीमेटेड का क्या मतलब है? इस साल का सीटी अंदाजा है क्योंकि इंशाल्लाह अगले साल अंडर या ओवर की डिस्कशन फिर होनी है, हुकूमत ने कोई ना कोई फटा डालना है, तो इस साल के सीटी के साथ हमेशा लिखा होगा एस्टीमेटेड। ये तीन कॉन्सेप्ट जहन में रख लें, अगर नोट करने हुए तो मुझे एंड पे याद कराइएगा, आपको नोट करने दूंगा। मेरे ख्याल से मैं 3 सवालों में अप्लाई कराने लगा हूं, नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्सेप्ट मैं रिपीट करता हूं, अगर खर्चा कम बुक हुआ है तो इस साल कैसे रेक्टिफाई करें? खर्चा डेबिट, और ट्रायल में भी डेबिट पे शो कर दें फिर इस साल के, और है ये किस साल का खर्चा? पिछले साल का। तो माई ट्रायल ऑफ करंट ईयर विल शो आ रिकॉर्डिंग ऑफ खर्चा विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन प्रीवियस ईयर। और इसके अलावा अगर डेफर टैक्स का बैलेंस आ रहा होगा क्लोजिंग ट्रायल में, तो उसके साथ डेट नहीं भी लिखी होगी ओपनिंग, और अदर इंफॉर्मेशन के अंदर हमें डेटा दिया गया होगा कि क्लोजिंग ऐसे निकाल लो, तो हम इस बैलेंस को क्या लेंगे? ओपनिंग बैलेंस लेंगे। चलिए जी, एमसीक्यू नंबर 3, 4, एमसीक्यू नंबर 4। होम लिमिटेड हैज द फॉलोइंग बैलेंसेस एट 30 जून 14। 30 जून 14 को होम लिमिटेड के ट्रायल में दो चीजें नजर आ रही हैं, टैक्सेशन नहीं लिखा हुआ तो ये करंट टैक्स ही है, करंट टैक्स है, टैक्सेशन और डेफर्ड टैक्स, ये दो चीजें नजर आ रही हैं। ये असल में अगर मेरे सामने ट्रायल बना होता ना तो ज्यादा अच्छा होता। तो ये 4000 इधर नजर आ रहे हैं और ये 12000 इधर नजर आ रहा है। अब आप मुझे बता दें ये क्या लिखा हुआ है? द टैक्सेशन रिलेट्स टू, द टैक्सेशन रिलेट्स टू ओवर प्रोविजन ऑफ पिछला साल। पिछले साल ओवर रिकॉर्ड हो गया था तो इस साल खर्चा कम, बढ़ा नहीं रहा खर्चा, खर्चा कम कर रहे हैं, इसलिए तो उसने क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ है साथ, तो खर्चा कम कर रहे हैं। तो ये जरा सामने नोट कर लें, डेबिट क्रेडिट अगर नहीं है तो रजिस्टर पकड़ें एमसीक्यू नंबर 4 और इस तरह नोट करें एमसीक्यू नंबर 4, और एमसीक्यू नंबर 4 लिख के रजिस्टर के ऊपर लिखें क्वेश्चन, यानी ये क्वेश्चन का पार्ट है, ये चीज सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, क्वेश्चन का पार्ट है। इट इज हाउ वी विल इंटरप्रेट द ट्रायल, द टैक्सेशन बैलेंस इज एन ज्यादा खर्चा रिकॉर्ड हो गया था पिछले साल, तो इस साल फिर खर्चा कम हुआ होगा, ये 4000 से खर्चा कम हुआ, ये खुशी कहते हैं इसको हम। अच्छा जी, इसकी क्या एंट्री हुई होगी 4000 की? ओवर को ओवर नहीं करना, ओवर को उल्टाना है, सीटीपी डेबिट, सीटीई प्रायर क्रेडिट, कितने से? 4000 से। ये पहली एंट्री आप अपने रजिस्टर पे लिख लें, सीटीपी डेबिट, सीटीई प्रायर क्रेडिट, और अमाउंट आगे कितने लिख लें? 4000। एज ऑन 30 जून 14, यूट्यूब पे भी लेक्चर अपलोड होगा, एज ऑन 30 जून 14 द डायरेक्टर्स एस्टीमेट दैट प्रोविजन नेसेसरी फॉर टैक्सेशन ऑन करंट ईयर प्रॉफिट्स इज 15 मिलियन। एस्टीमेट हमेशा करंट के लिए यूज करेगा, डेफर्ट के लिए एस्टीमेट का लफ्ज यूज नहीं करता, क्योंकि करंट ही कोर्ट में जाके चैलेंज होता है, एस्टीमेट का लफ्ज मैंने आपको बता भी दिया था, करंट टैक्स के लिए होता है। अब बोले ये क्या है? ये तो मेरे ख्याल से
अपने ही साल का सीटीई है, क्योंकि वो तो पिछले साल का सीटीई की एडजस्टमेंट थी, ये अपने ही साल का सीटीई है। इसकी एंट्री सीटीई डेबिट प्रायर का लफ्ज डाले बगैर सीटीई डेबिट सीटीई क्रेडिट कितने से 15,000। ये एस्टिमेट क्यों है? क्योंकि अगले साल अब इसमें भी कोफट आ जाने अंडर ओवर प्रोविजन का, फिलहाल इसको बुक कर लेते हैं 15,000 को। द कैरिंग अमाउंट ऑफ नॉन करंट एसेट एक्सीडेड द टैक्स डब्ल्यू डी बी बाई 30,000। ये तो वो डी टी एल का कैरी डाउन के लिए डेटा दे रहा है। कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट एक्सीडेड द टैक्स डब्ल्यू डी बी बाय 30,000। चलें अब सवाल की रिक्वायरमेंट है आपने टैक्स एक्सपेंस निकालना है, तो पहले मैं फॉर्मेट लिख लूं। 2014 मेरा साल है, मुझे सी टी इस साल का चाहिए, मुझे डेफर टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा, वहां से डी टी ई आएगा और मुझे सी टी ई चाहिए प्रायर, सी टी प्रायर चाहिए, सी टी ई प्रायर खुशी बुक करनी है। खुशी खुशी बुक नोट में रिकॉन्सिलेशन की बात नहीं कर रहा, रिकॉन्सिलेशन से ऊपर वाला पोर्शन कर रहा हूं। तो खुशी बुक के साथ होती है पॉजिटिव साइन के साथ, कितना 4,000। और अगर जहन में नहीं आ रहा तो अंडर प्रोविजन नहीं लफ्ज लिखा हुआ, ओवर थी। ओवर को सही कैसे करते हैं? सीटीपी डेबिट सीटी क्रेडिट, खुशी खुशी पॉजिटिव साइन के साथ। ये 4,000 हो गया। 12,000 डेफर टैक्स का दिखने में क्लोजिंग लग रहा है, अगर आप इसको क्लोजिंग कहें तो ये ब्लंडर होगा, फिर क्लोजिंग निकालने के लिए डेटा हमें क्यों दे रहा है? तो इसलिए ट्रायल के अंदर जैसे एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिखने में लग रही होती थी क्लोजिंग है, लेकिन अदर इन्फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन का रेट दिया होता था तो हम क्लोजिंग डेप्रिसिएशन खुद निकालते थे। इस वजह से डीटीएल दिखने में क्लोजिंग लग रहा है लेकिन क्लोजिंग का डाटा दोबारा दिया हुआ है, तो बाहर ये क्या कौन सा बैलेंस है? ओपनिंग बैलेंस। तो डेफर टैक्स का अकाउंट खोलेंगे और डीटीएल का अकाउंट खोल के ब्रॉड डाउन 12,000 क्रेडिट है जी मोहतरम। 2014 में 30 जून 14 यहां लिखा हुआ है, लेकिन ये 1 जुलाई 13 का बैलेंस होगा। क्यों सर, आपको कैसे पता चला? इसलिए कि इस डेटर से जो मैं 30 जून 14 का बैलेंस निकालूंगा ना, वो इससे मैच नहीं करेगा। इसका मतलब है फिर ये ब्रॉड डाउन था, ये कैरी डाउन नहीं था। लेकिन ये बात इंशाल्लाह हमारी फाइनल अकाउंट में ज्यादा डिटेल से डिस्कस होगी, जिसमें अकोमोडेशन के आगे डेटे नहीं डाला करेगा तो हम सर पकड़ के बैठ जाया करेंगे कि ये अकोमोडेशन ओपनिंग है या क्लोजिंग है। अदर इन्फॉर्मेशन में जाके कह रहा होगा अनएडजस्टेड नहीं, इसमें एडजस्टमेंट कोई होती नहीं। अच्छा, अदर इन्फॉर्मेशन में जाके कह रहा होगा कि डेप्रिसिएशन चार्ज करो, तो हम कहेंगे ओह अच्छा अच्छा अच्छा, अदर इन्फॉर्मेशन में तो कह रहा है कुछ करो, तो फिर ये कौन सा बैलेंस है? ओपनिंग बैलेंस है। द कैरिंग अमाउंट ऑफ एचएल नॉन करंट एसेट एक्सीडेड द टैक्स डब्ल्यू डी बी बाय 30,000। अब ऑब्वियसली ये ईयर एंड का डाटा है, सवाल नहीं बता रहा। कैरिंग अमाउंट एक्सीडेड द टैक्स बेस, एसेट्स या लाइबिलिटीज? एसेट्स, एसेट्स, एसेट्स। तो कैरिंग अमाउंट एक्सीडेड द टैक्स बेस, इसका मतलब है जो डिफरेंस है इस पे रूल नंबर वन लगेगा, एसेट्स है ना, रूल नंबर वन लगेगा। कितना डिफरेंस खुद दे रहा है, डिफरेंस दे रहा है भाईजान, एक्सीडेड द टैक्स डब्ल्यू डी बी बाय 30,000 डिफरेंस दे रहा है, और क्योंकि रूल वन लगाए तो ये टी टी डी है, तो इसका टैक्स 9,000 क्या आ गया? डेफर टैक्स लाइबिलिटी, तो कैरी डाउन बोले 9,000 हो गया। डी टी ई इधर आ रहे हैं, डी टी बैलेंसिंग 3,000। अब आप इसकी एंट्री करवाएं, 10-15 मिनट बाद आ जाओ। डी टी एल डेबिट डी टी क्रेडिट, खुशी उल्टी खुशी। और सी टी इस साल का कितना है? 15,000 किधर है जी? 15,000 ये तो नेगेटिव होता है, सी टी डेबिट सी टी पी क्रेडिट। सो लेट्स रिवाइज, फिर अगले 2-3 सवाल इंशाल्लाह जल्दी हो जाएंगे। टैक्स क्रेडिट पे लिखा होना काफी था इस लाइन की, मुझे फिर भी जरूरत नहीं थी। सर आपको कैसे पता चला ये टैक्स पिछले साल का होगा? अगर ये लाइन ना लिखी होती, इस साल का करंट टैक्स अलग दिया हुआ है, तो करंट टैक्स फिर अगर गिवन होगा ट्रायल में तो पिछले साल का होगा, पहली बात ये होगी।
पिछले साल की खुशी बुक करनी है, खुशी बुक कर लें 4,000। नेक्स्ट, करंट ईयर का खर्चा बुक करना है, खर्चा बुक कर लें। यहां से बीडी आ जाएगा, यहां से सीडी आ जाएगा, और बैलेंसिंग क्या आ जाएगा? डीटीई। सवाल पूछ रहे हैं चार्ज फॉर टैक्सेशन डेट विल अपीयर इन प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस कितना जाएगा? ये नोट का रिकॉन्सिलिएशन से ऊपर वाला हिस्सा ही प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। 8,000 खर्चे के तौर पे जाएगा ये 8,000। चलें छोड़ें, पॉइंट नंबर 5 पढ़ते हैं, रिवीजन हो जाए। पॉइंट नंबर 5 छोड़े बस। हॉल लिमिटेड हैज अ फॉलोइंग बैलेंसेस इन ट्रायल बैलेंस एट 30 जून 2014। 7,000 टैक्सेशन आ रही है, ये तो जरा कंफ्यूजिंग सी चीज है। ट्रायल में 7,000 इधर आ रहे और 16,000 इधर आ रहे। द टैक्सेशन बैलेंस इज ड्यू टू, ज्यादा रिकॉर्ड हो गया था पिछले साल टैक्स, तो अब कम कर देते हैं ना टैक्स, तो टैक्स कम करेंगे तो खुशी तो फिर इस साइड पे नजर आती है ना, खर्चे इधर नजर आते हैं, तो ये खुशी है 7,000। तो अब तो हम बड़े हो गए हैं, साथ साथ ही करते रहे, अब आगे जाने का वेट ना करें। कितना है? 7,000। खुशी या गम? खुशी। डेफर टैक्स का दिखने में क्लोजिंग है, और क्लोजिंग भी मैं पेपर में लिख देता, लेकिन जैसे ही मैं नीचे आता तो पता चलता क्लोजिंग का डाटा तो सवाल दे रहा है, तो इसलिए इसको मैं ओपनिंग ले रहा हूं। कितना? 16। ऑन 30 जून 2014 द एस्टीमेट डेफर्ड का नहीं होता, एस्टीमेट करंट का होता है। एस्टीमेटेड प्रोविजन नेसेसरी प्रोटेक्शन करंट ईयर प्रॉफिट इज 12। सीटी डेबिट, सीटीपी क्रेडिट 12,000। द बैलेंस ऑन डेफर टैक्स अकाउंट, द बैलेंस ऑन डेफर टैक्स अकाउंट, द बैलेंस ऑन डेफर टैक्स अकाउंट नीड्स टू बी इंक्रीज 23 या 22, आगे ना पढ़े 23 या 22, 22 इंक्रीज करूं या 23 इंक्रीज करूं? 23 का क्या मतलब है? 23 तक ले जाओ, अगर लिखा होता 23 से बढ़ाओ फिर और बात है, फिर और बात है। इसकी मिसाल पता क्या होती है? इसकी मिसाल ये होती है, आप 2 किलो दूध लेने गए, आपने उसे कहा यार शॉपर में 3 किलो तक कर दो, तो वो 1 किलो डाल देगा ताकि कैरेट डाउन 3 किलो हो जाए, टोटल फिर 3 किलो हो जाएगा ना, तो इसको बढ़ा दो। द बैलेंस ऑन डेफर टैक्स अकाउंट नीड्स टू बी इंक्रीज टू 23, तो 23 तक इस बैलेंस को ले जाओ। विच इंक्लूड इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रॉपर्टी वैल्यूएशन बिलो, जिसमें प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन का इंपैक्ट भी पड़ा है, रिवैल्यूएशन का इंपैक्ट भी पड़ा है। ड्यूरिंग द ईयर हाल लिमिटेड रिवैल्यूएटेड इट्स प्रॉपर्टी फॉर द फर्स्ट टाइम रिजल्टिंग इन अ गेन ऑफ 10 मिलियन। जी जब तक आप FR1 पढ़ते थे तो ये एंट्री होती थी, लेकिन जब आपने शुरू किया FAR2 तो हमने कहा कि भाईजन ये एंट्री नहीं होगी, एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, इसमें हुकूमत का हिस्सा डेफर टैक्स लायबिलिटी। और मुझे याद है कि ये एंट्री इस तरह होती थी, डेट डिस्क्रिप्शन एसेट रिवैल्यूएशन सरप्लस P&L टैक्स और नेट सरप्लस। इधर एक लफ्ज आता था रिवैल्यूएशन सरप्लस, गेन आता था 10 का, ऊपर पड़ी होती थी बुक वैल्यू और नीचे पड़ी होती थी मार्केट वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस आता था 10, इसका नाम होता था सरप्लस। हम सरप्लस को लिखते थे यहां, फिर सरप्लस के तोड़ के 2 हिस्से करते थे, एक हिस्सा करते थे इसका 3 और एक हिस्सा करते थे 7, और एंट्री फिर हम करते थे, हम इसको ऐसे फारक कर देते थे और ग्रीन पट्टी से एंट्री करते थे एसेट डेबिट DTL क्रेडिट सरप्लस इन OCI क्रेडिट। तो इसलिए अपने रजिस्टर के ऊपर लिखें MCQ नंबर 5 और 10 रुपए की एंट्री, क्योंकि किताब नहीं है अनलकीली,
₹10 की एंट्री, एंट्री बताएं जी ₹10 की, वो मैं खोलता हूं अभी। एसेट डेबिट, रिवेल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट और डीटीएल क्रेडिट, कितने से जी? 10 7 3, इस तरह में एंट्री करते थे जी। वो तो मैं अब खोल रहा हूं जी, फिलहाल मैं डीटीएल अकाउंट बना रहा हूं सिर्फ, तो उसमें कितना ले जाऊं, 10 7 या 3? 3, तो डीटीएल क्रेडिट, खुशी है ना, तो सरप्लस, तो डीटीएल क्रेडिट, इधर आपको याद है हम एसेट लिखते थे कितना, 3000। द टैक्स रेट इज 30% एंड डू द चिल। अच्छा, टैक्स रेट कहीं इसलिए नहीं लगाना पड़ा कि करंट टैक्स निकला हुआ था और इसका कैरी डाउन भी गिवन है, आप टैक्स रेट शायद कहीं लगाना नहीं पड़ा, सिर्फ एक जगह लगाना पड़ा ये एंट्री करते हुए, 10 का 30%, फिर यहां पे लगाना पड़ा क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे कितना, 4000। ये तो खर्चे वाली साइड है, 4000, 16 - 7 पॉइंट ए। नहीं, इसको हम वो कंसिडर नहीं कर सकते, ये कह रहा है कि ये जो 23,000 है इसे मैं डीटीई समझ रहा हूं, द बैलेंस ऑन डेफर्ड टैक्स अकाउंट इज 16, द बैलेंस, जो बैलेंस सवाल दे रहा है, द बैलेंस से मतलब ये वाला बैलेंस, द बैलेंस ऑन डेफर्ड टैक्स अकाउंट्स को बढ़ा के 23 तक ले जाओ या 23 से बढ़ाओ, 23 तक ले जाओ, इसका मतलब है ये कैरी डाउन है, अगर लिखा था 23 से बढ़ाओ फिर ये होता वो बोला। ओके, पॉइंट नंबर 7, 6 को मैं छोड़ा अभी, 7, अ कंपनीज ट्रायल बैलेंस शो अ गम ऑफ 2.1 मिलियन ब्रॉट फॉरवर्ड, यानी ये कोई पिछले साल का टैक्स है, पिछले साल का टैक्स है, शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 2.1 ट्रायल 2.1 ऑन करंट टैक्स, ऑन करंट टैक्स एंड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 5.4 ऑन डेफर टैक्स, टैक्स चार्ज फॉर द करंट ईयर इज एस्टिमेटेड एट 16.2, ये क्या है, इस साल का सीटी, एंड द कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स आर 13 मिलियन इन एक्सेस ऑफ देयर टैक्स बेस। ट्राई करते हैं इसको, अब ट्राई करते हैं, अब अंडर ओवर प्रोविजन का तो उसने नहीं किया, और अगर ये करंट टैक्स ऑलरेडी ट्रायल में नजर आ रहा है तो फिर ये नीचे वाला करंट टैक्स कौन सा होगा, ये तो फिर इस साल का होगा, ये तो फिर इस साल का होगा, तो वो पिछले एक और जो करंट टैक्स ट्रायल में नजर आ रहा है वो पिछले साल की कोई ना कोई एडजस्टमेंट होगी। अब जरा सोच के बताएं, ट्रायल में डेबिट साइड पे करंट टैक्स नजर आ रहा है तो मेरे ख्याल से पिछले साल कम रिकॉर्ड हुआ होगा, इस साल और डेबिट करना पड़ा है, तो पिछले साल अंडर प्रोविजन थी, सवाल ने लिखा नहीं हुआ लेकिन डेबिट के लफ्ज से हमें पता चला, अंडर प्रोविजन प्रीवियस ईयर में थी, इस साल कर दिया रिकॉर्ड, अंडर प्रोविजन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट करके, तो 2.1 के खर्चे को यहां पे शो करें, 2.1 के खर्चे, 2.1 के खर्चे को यहां पे शो करेंगे, ब्रॉट फॉरवर्ड ऑन करंट अकाउंट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 5.4 ऑन डेफर्ड टैक्स, 5.4 कहां पे है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है ना, ये एसेट है, क्रेडिट बैलेंस, तो क्या है लाइबिलिटी, द टैक्स चार्ज फॉर करंट ईयर इज एस्टिमेटेड, एस्टिमेट कौन सा टैक्स होता है, डेफर नहीं, वो करंट होता है हमेशा, क्योंकि अगले साल हुकूमत इसे बदल सकती है, 16.2
एंड द कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स आर 13 एक्सीडिंग देयर टैक्स। अब बड़े हो गए हैं, आप बेशक ये ना करें, डायरेक्ट कैरी डाउन निकाल लें और सोचें कैरी डाउन पहले टीटीडी है या डीटीडी है, फिर सोचें डीटीएल है या डीटीए है। एसेट्स हैं या लाइबिलिटीज हैं? नेट एसेट्स का मतलब एसेट्स भी होंगे लाइबिलिटीज भी होंगी, एसेट्स ज्यादा होंगे। एसेट्स का कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से बढ़ रही है, इसका मतलब है कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस, इट मींस के रूल वन लगेगा एसेट का। तो ये टीटीडी है क्योंकि ये डिफरेंस वाली फिगर है, टीटीडी पे रेट लगा के डीटीएल निकलेगा, रेट लगा दें। अब हो गए हैं इधर, बहुत बड़ी बात करने लगा, इधर टीटीडी पे हम रेट लगा सकते हैं, बड़े हो गए हैं, टीटीडी पे रेट लगा दें डायरेक्ट जी। टीटीडी कितनी? 13। कोई एसेट की रिवेल्यूशन नहीं है, बैलेंसिंग बता दें 1.5। उल्टा करना है पॉजिटिव साइन के साथ, वट एवर द टोटल मे बी, वट एवर द टोटल मे बी। ओके, रिवीजन। अ कंपनीज ट्रायल बैलेंस शो आ डेबिट बैलेंस ऑफ 700। अब हम इतने बड़े हो गए हैं कि मैं ट्रायल भी नहीं बना रहा। अब आप मुझे बताएं 700 का गम है कोई पिछले साल के करंट टैक्स का? 700 का गम है पिछले साल के करंट टैक्स का, कहां लेके जाऊं 700 का गम है पिछले साल के करंट टैक्स का? सीटी प्रायर गम कितना? पिछले साल क्या थी जो इस साल खर्चा बुक करना पड़ा? अंडर प्रोविजन थी, पिछले साल अंडर प्रोविजन थी, एंड 8400 ऑन डेफर टैक्स। चलिए टेस्ट में भी आप लोग मसला करें, जब ऐसा सवाल करें ना तो रिवीजन 1000 ऊपर लिख दिया करें। एस्टिमेट कौन सा टैक्स होता है? इस साल वाला। द एस्टिमेट ऑफ द प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स फॉर द ईयर इज 4.5। एंड द रिक्वायर्ड डेफर्ड टैक्स प्रोविजन इज 5.6। ये जो रिक्वायर्ड डेफर्ड टैक्स प्रोविजन है ये डीटीई आपको लग रहा है या डीटीएल का कैरी डाउन लग रहा है? यार उसके साथ ना फॉर द ईयर स्पेसिफिकली लिखा होगा अगर डीटीई होगा, एंड द रिक्वायर्ड डेफर्ड टैक्स प्रोविजन एज ऑन लिखा होना चाहिए था वैसे उसको, लेकिन अजीब किसी पता नहीं किसी फॉरेन ऑथर की किताब से उसने उठाया है ये लफ्ज, इज अजीब सा लफ्ज है, लेकिन फॉर द ईयर अगर आता ना तो फिर मैं इसको डीटीई कहता, फिलहाल मैं इसको डीटीए लूंगा, डीटीएल लूंगा, कैरी डाउन। एंड द रिक्वायर्ड प्रोविजन यानी कि साल के एंड पे जैसे रिक्वायर्ड प्रोविजन इज 5.6 तो कैरी डाउन। अच्छा एसेट या लाइबिलिटी नहीं बता रहा तो परेशान ना हो, फिर जो ओपनिंग की नेचर है वो इसकी नेचर है, ओपनिंग क्रेडिट नेचर का, तो फिर क्लोजिंग भी, फिर ये नहीं बता रहा डेफर्ड टैक्स एसेट है या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। वैसे प्रोविजन का लफ्ज लायबिलिटी के लिए आमतौर पर यूज होता है जी। हाँ बोलो, जब तक फॉर द ईयर ना लिख देना उसके साथ तब तक आप इसको डीटी में ना डालना। वेक सी इंग्लिश है, रिक्वायर्ड डेफर्ड टैक्स प्रोविजन इज जी 56। भाई कह रहे हैं जैसे वारंटी के साथ प्रोविजन का लफ्ज आता है वारंटी प्रोविजन एज ऑन, लेकिन एज ऑन फिर भी उसे लिखना चाहिए था, जिसमें से 1.2 मिलियन प्रॉपर्टी रिवेल्यूशन है। भाईजन प्रॉपर्टी रिवेल्यूशन डीटीई के अंदर नहीं घुसी होती, प्रॉपर्टी रिवेल्यूशन कैरी डाउन में पड़ी होती है, यहां से भी पता चल गया ये कैरी डाउन है। तो जिसमें 1.2 प्रॉपर्टी रिवेल्यूशन है आते आते, अब हम मुझे बता दें प्रॉपर्टी रिवेल्यूशन को क्या समझें हम, गेन समझे लॉस समझे? गेन समझेंगे हम, गेन समझेंगे। 1.2 इसमें प्रॉपर्टी रिवेल्यूशन पड़ी है या ये खुद गेन है? ये गेन है या इस डेफर टैक्स के बैलेंस में ये पड़ा हुआ है? तो रेट लगा हुआ या लगाना पड़ेगा? तो इसलिए फिर 1.2 की एंट्री होगी एसेट डेबिट रिवेल्यूशन सरप्लस, टैक्स रेट भी नहीं दिया हुआ सवाल में, ओसीआई क्रेडिट और डीटीएल। मुझे क्या पता एसेट कितने से बड़ा है, मुझे तो रेट भी नहीं पता,
रेट शायद पता होता तो मैं कोई उल्टी छुल्टी वर्किंग करके एसेट और ये वाली फिगर निकाल लेता। मुझे जरा साबित करके बताएं कि ये गेन क्यों नहीं है और ये टैक्स क्यों है। डीटीएल के बैलेंस में 1.2 पड़ा है, इसका मतलब है ये खुद इस पे रेट लगा हुआ है, तो 1.2। सवाल खामोश होगा तो रिवेल्यूशन गेन ही लेंगे आप। 1200 एसेट हो गया, तो बाकी 4000 डेबिट साइड पे। डी टी ई खुशी 4000 की खुशी। एमसीक्यू नंबर 18, इस कॉन्सेप्ट की जान ले ले। हाँ नहीं, वो उसमें शामिल नहीं होता, वो अलग से लाइन आइटम नया आता है, नया लाइन आइटम आता है। नहीं नहीं, अलग से नया लाइन आइटम आता है। द ट्रायल बैलेंस ऑफ हाल लिमिटेड 31 मार्च 2016 शोड अ खुशी ऑफ 800 ऑन करंट टैक्स। तो बता दें कहाँ जाए, खुशी ऑफ 800 ऑन करंट टैक्स, खुशी करंट टैक्स की, खुशी करंट टैक्स की 800। भाई थोड़ी देर के लिए उनको बता दो, जरा सबर कर लें। एंड डेफर टैक्स का भी क्रेडिट बैलेंस ही है ना, दोनों का क्रेडिट है, कितना 2600। अ प्रॉपर्टी वॉज रीवैल्यू ड्यूरिंग द ईयर गिविंग राइज टू अ डेफर टैक्स ऑफ 3.75। बता दें ये खुशी बुक करूं या लॉस बुक करूं, खुशी होगी, खुशी होगी, जब सवाल साइलेंट है खुशी होगी। तो रीवैल्यूएशन हुई है प्रॉपर्टी की 3.75। अ प्रॉपर्टी वॉज रीवैल्यूड डेट गिव राइज टू डेफर टैक्स ऑफ 3.75, तो ये भी वही है, एसेट डेबिट रिवेल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट डीटीएल क्रेडिट 3.75। तो डीटीएल में क्रेडिट साइड पे कितना ले लें, 3750। 2600 सही था, पिछले सवाल का था। दिस हैज बीन इंक्लूडेड इन डेफर टैक्स प्रोविजन ऑफ 6.75 एक्ट 31 मार्च 2016। तो ये एजेट वाली चीज है, इंक्लूडेड पता है क्यों लिखा होता है, ये देखें, कैश अकाउंट ब्रॉड डाउन 10 रुपए, सेल की 2 रुपए, 12 में ये 2 इंक्लूडेड है ना, 12 में इसलिए इंक्लूडेड लिखा होता है। तो ये दोनों इस कैरिड ऑन में इंक्लूड होते हैं, इसलिए इंक्लूड कर लिख रहा है बार बार। तो ये तो अल्लाह का शुक्र है एट है, सिर्फ वो पिछले वाला एमसीक्यू मुझे नापसंद है, बाकी तो ये बड़ा अच्छा था उससे एट। तो एट कितना बैलेंस है, क्रेडिट या डेबिट? डेफिट प्रोविजन का तो आमतौर पर लाइबिलिटी के लिए यूज होता है प्रोविजन, पाकिस्तान वैसे पाकिस्तान में इसको प्रोविजन ही कहते हैं, इसको लाइबिलिटी अकाउंट ही कहते हैं। पता नहीं इसने किस फॉरेन ऑथर की किताब से प्रोविजन का लफ्ज उठाया। 6750 द इनकम टैक्स चार्ज फॉर द ईयर इज एस्टिमेटेड एट 19.4। ये कौन सा है, करंट टैक्स कितना 19000। जो भी डीटी आएगा वो इधर लिख लीजिएगा, जो भी डीटी आए इधर लिख लीजिएगा। ओके वीनस एमसीक्यू 16, वीनस अकाउंटेंट एस्टिमेटेड एट टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर इज 43। ये तो सीटी इस साल का आ गया, अब तो मैं सॉल्व भी नहीं कर रहा, इसी सफे पे हूँ। फॉर द ईयर हाउ एवर ही हैड इग्नोर द डेफर टैक्स एट 1 जनवरी 2018, डीटीएल का ओपनिंग था 130, एट 31 दिसंबर 2018, टीटीडी है 360, तो इस पर रेट लगा देंगे। ये तो फारी की सवाल है, टाइम जाया गया। अच्छा ये जो सवाल है ना, ये मुझे आपने कल याद कराना है, ये मैंने नॉर्मल क्लास में भी बताना है। ये सवाल है कैश फ्लो का। कैश फ्लो के सवाल में अगर हमें पेपर में पूछ ले कि मैंने कितना टैक्स, कैश फ्लो के सवाल में अगर हमसे पेपर में पूछ ले कि मैंने कितना टैक्स पे किया है, क्लास से ठीक है जाएं, लॉ की क्लास है, तो ये फिर ऐसा करते हैं, ये सवाल ना कल उसमें कर लेंगे क्लास में। यार एक मिनट बैठो, ठीक है आप लोग जाओ, और कौन सा सवाल था, एक इधर भी रहता था, वो भी फिर कल कर लेंगे, ठीक है, ख़त्म करो।